राजस्थान में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां पर पीसीसी के पूर्व जो अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, वो दो दिन टोंक के दौरा करके आए हैं, तो कांग्रेस में अभी कार्यकारिणी के गठन को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की बातें हो रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी लगभग इसी तरह की गतिविधि चल रही है। एक दिन पहले ही राजस्थान के जो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से मुलाकात की है और उसके बाद से राजनीति गर्म हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं खुद सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, बात करते हैं इन्हीं से किस तरह की बातें हुई है और क्या आगे इनकी रणनीति है। तो मैं तो सदैव गतिशील रहता हूँ, चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें, चुनाव हारें, राजनीतिक सरगर्मी तेज हो घटे, इस सबको छोड़कर मैं सदैव जनता के बीच में रहता हूँ। और सतीश जी से जो मिलना हुआ था वो रूटीन का मिलना था, कोई खास रणनीति का हिस्सा नहीं था। अभी बताया जा रहा है कि भाजपा में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा जी, उनका एक गुट तैयार हो रहा है, इस तरह की बातें हो रही है। आप तो वापस आए हैं और कहा जा रहा है कि आप जैसे जो कद्दावर लोग हैं पुराने, उनको लेने का मकसद यही है कि वसुंधरा जी को घेरा जाए चुनाव से पहले, इस तरह कोई बातें सामने आ रही है, चर्चाएं हो रही है। ना, वसुंधरा जी का कोई ग्रुप नहीं है, ना वो ग्रुप बना रही, उनका परिवार वसुंधरा जी सदैव पार्टी के लिए समर्पित रही हैं और ना उनको घेरने का कोई इरादा है। घेरने जैसी कोई रणनीति पार्टी में नहीं बन रही है। मैं तो जब आया था, जब वसुंधरा जी की सहमति से पार्टी में आया था, इसलिए ये बात निराधार है। राजस्थान की सरकार भर्तियों को लेकर बहुत परेशान है, काफ़ी भर्तियां रद्द भी हुई है, आपने तो संघर्ष भी किया, आंदोलन भी किए हैं, अब भी लोग आपके घर के बाहर हैं और आपसे उम्मीद लगाए रहते हैं, सरकार क्या है इस मामले में, पूरी तरह फेल है क्या? राजस्थान सरकार परेशान नहीं है, राजस्थान के बेरोजगार परेशान हैं। सरकार तो आराम कर रही है, सरकार ने आश्वासन दिया था कि बेशुमार नौकरियां देंगे और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी जब तक 3,500 रुपये मासिक भत्ता देंगे, ना तो नौकरियां ना भत्ता है। और जो नौकरी निकली उनमें से 6 के पेपर लीक हो गए, उनके मैं 7 सदा सड़कों पर उतरा हूँ। अभी हाल ही में JEE का पेपर लीक हुआ था तो हजारों छात्रों को लेकर मैं सड़क पर उतरा, सरकार ने उस दबाव में जांच कराई और वो परीक्षा निरस्त कर दी क्योंकि SOG को ये पाया कि पेपर लीक हुआ है। तो चाहे लाइब्रेरियन का मामला हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे JEE का हो, चाहे RS का हो, हर पेपर यहाँ पर लीक हो रहा है, परंपरा बन गई। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा गलत है। जो बेरोजगार तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको नौकरी लगनी चाहिए, उनके ना लग के जो निठल्ले हैं, जो पढ़ने में ठीक नहीं है, उन लोगों को मौका मिल जाता है। ये योग्य व्यक्तियों को डिबार करने का मामला है, सुयोग्य बच्चों को मौका नहीं मिलना, ये उनके भविष्य को बर्बाद करने के बराबर है। इसलिए मैं आज मुख्य सचिव जी से भी मिला हूँ और इस ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम उनको दुरुस्त करेंगे और राहत प्रदान करेंगे। राजस्थान में जो पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इनके बीच में राजनीतिक लड़ाई काफ़ी दिनों से हो रही है, क्या लग रहा है आपको, इसी वजह से सारा विकास रुका हुआ है, भर्तियों का मामला अटकता है, किसानों की कर्ज माफ़ी का मामला है, टोल मुक्त राजस्थान का जो था उसको भी इन्होंने बंद किया है, क्या लग रहा है आपको, ये कारण यही है, राजनीतिक कारण है या गवर्नमेंट के पास? तो दोनों में स्थायी खाई है और गहलोत साहब तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, पहले भी बने थे तो खजाना खाली का रोना रोते थे। वसुंधरा जी जो कभी नहीं रोया खजाना खाली हुआ, ना मोदी जी रो रहे, पर हमारे मुख्यमंत्री जी की आदत है। ठीक है, राजनीतिक उठापटक तो सब दलों में चलती है और ये बात सही है कि उनको बेचैनी है, दोनों लड़ रहे हैं, ये राजस्थान की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। विकास के काम ठप हैं और तालमेल नहीं होने के कारण भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ है और भ्रष्टाचार यहाँ तक है कि सत्ताधारी दल के विधायक भी लूटने में लगे हुए हैं। राजस्थान की जनता बुरी तरह से त्रस्त है, भ्रष्टाचार पर और प्रशासन पर सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, नियंत्रणहीन हो चुके हैं अधिकारी और राजस्थान की जनता में बड़ा असंतोष है। तो लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए लेकिन इसके विपरीत राजस्थान में विकास के काम होने चाहिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 50 दिन हो गए हैं किसानों के आंदोलन को, आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी कर दिया है तीनों किसान कानूनों पर, अब क्या लग रहा है मामला सुलझ जाएगा? स्टे हो गया तो सुलझ गया,
स्टे हो गया तो सुलझ गया, लेकिन देखो ऐसा है, देश का प्रतिपक्ष मरा पड़ा है, दम नहीं है। एक किसानों का सहारा मिला, उनका कंधा मिला, इसलिए उनके बस की बात तो थी नहीं। किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर उन्होंने बंदूक चलाने की कोशिश की मोदी जी पर, जो वो ठिस हो गई। ये कानून जो है किसी भी तरह से किसान को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं थे, किसान की आय दुगनी करने वाले थे। ना तो मंडी खत्म हो रही थी, ना MSP खत्म हो रही थी, ना किसी के जमीन जा रही थी, लेकिन उनको बहकाया गया और ये परिणाम ये हुआ कि उनकी आय दुगनी करने का जो योजना देश के प्रधानमंत्री ने बनाई थी वो कुछ समय के लिए रुक गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के तौर पर आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके साथ ही सौम्या गुर्जर जो पूर्वी राजस्थान में गुर्जर और मीणा का प्रभाव है वहाँ पर आप लोगों को फिर से फ्रंट पे लाया जा रहा है, इस तरह की कोई रणनीति बीच में बन रही है? नहीं, गुर्जर मीणा सदैव भाईचारे से रहे, फ्रंट पे लाने की कोई जरूरत नहीं। ब्लॉक लेवल से स्टेट लेवल तक के जो नेता हैं गुर्जर मीणों के, किसानों के, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो ये हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि